नमस्कार। अभी तक तो हम बातें कर रहे थे, जितने भी सेगमेंट हमारे आए आज के, सब में फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा मसाला तड़का के बारे में बात करें। कुछ र्यूमर्स, विष्णु विशाल जो है उन्हें बहुत सक्सेस मिली अभी राक्षसन जो पिक्चर रिलीज की, मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर। मैं फ्रेम बाय फ्रेम उस पिक्चर को जो है मेरे दिमाग में बस चुकी है। वो फिल्म अक्टूबर में रिलीज की फिल्म को मैंने अभी तक 2-3 बार देख लिया है। बहुत बहुत ही पावरफुल थी फिल्म, बहुत नाम हुआ उनका, लेकिन उनके साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई कि उन्हें डिवोर्स लेना पड़ा अपनी वाइफ रजनी के साथ, और कारण जो भी हो। अब बात ये उठती है कि जैसे वो अपनी अगली फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, उनकी रिलीज आ रही है सिलुगु करपत्ति सिंघम में, तो उसके साथ एक कॉन्ट्रोवर्शियल रिपोर्ट और आ गई, और ये है उनकी दूसरी शादी के बारे में। र्यूमर्स फैलने शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर कि विष्णु शादी करने जा रहे हैं, और वो भी किससे? अपनी को स्टार अमला पॉल से। लेकिन जो एक्टर है वो इस बात को सुनते के साथ मेरे ख्याल से आग बबूला हो गए। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके शब्दों को देखेंगे तो उसमें उनका गुस्सा, उनका क्रोध आपको दिखाई देगा। What a stupid news! Please be responsive. We are humans too, and have lives and family. Just don't write anything for the sake of it. उन्होंने कहा कि क्या बकवास खबर है? आप ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी लोग हैं, अपने निकट वाले, और कोई भी खबर जो है सिर्फ इसलिए कि वो खबर अच्छी लग रही है उसे डाल दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये खबर पूरी तरह से फेक है, इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि विष्णु और इनका जो केमिस्ट्री थी अमला की, वो इतनी ज़्यादा जेन्युइन और इतनी प्यारी लग रही थी फिल्म के अंदर कि उसको लोगों ने बिलीव कर लिया है कि ये सच में प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि जिस तरह से वो एक दूसरे को देख रहे होते थे, खासतौर पे अमला जिस समय पीछे बैठी हुई थी स्कूटर पे और वो लोग ढूंढ रहे थे बाइक पे जा करके ऑटो को, उस समय जो उनका देखने का अंदाज हुआ करता था विष्णु को, ये एक अलग ही अंदाज से देखा करते। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था, मुझे भी एक सेकंड को लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये ऑन स्क्रीन रोमांस जो है ऑफ स्क्रीन रोमांस में तब्दील हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों इतने अच्छे एक्टर हैं कि आपको यकीन दिला दे रहे हैं कि उन लोगों के बीच में एक सॉलिड केमिस्ट्री है, जबकि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ केमिस्ट्री नहीं है उनके बीच में। यही है मेरे ख्याल से पराकाष्ठा है। उन लोगों को तो यह विष्णु को और अमला को इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि इतनी स्टार्क दर्दनाक फिल्म जहाँ हर सीन के बाद आपका जो है दिल टूट रहा था। एक ऐसा सीन मैं आपको बता रहा हूँ जिस समय इनकी भतीजी का जो है डेड बॉडी डिस्कवर करते हैं और कहीं रो नहीं सकते हैं कि बिकॉज किसी को बता नहीं रहे हैं कि ऐसा हुआ है, और उसके बाद फिर वो जाते हैं अमला के घर और वहाँ जाके सामान वगैरह फेंकते हैं, और अमला जो है पीछे से आकर के इनको कस के खींच लेती हैं एज इफ कि मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ। मैं रोक नहीं रही, रोकती नहीं है, वो स्ट्रेंथ बनने की कोशिश करती हैं। और वहाँ पर जो एक केमिस्ट्री देखने मिल रही थी, एक इतने सैड सीन में भी एक इतना रोमांटिक एंगल था, शायद इसीलिए लोगों को ये शक हो गया कि ये, मुझे भी हो गया था एक पल को कि शायद इनके जीवन में असली जीवन में भी कुछ इस तरह का चल रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। और मैं आपको ये भी अब बता दे रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी भी इसके बारे में कुछ बात भी नहीं की थी, मैंने इस र्यूमर को नहीं उठाया, न मैंने इस र्यूमर में कभी बात की। अब जब खंडन आ रहा है तब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि विशाल को अपने जीवन में जो है अच्छा एक जीवन साथी मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि जो उनके एक कंप्लीट इस समय जो एक करियर का हाई है उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ का भी हाई इनका यहाँ से शुरू हो। मैं अनुपम हूँ, ये टुडेज है, और जो आने वाला है वो छोटा सा ब्रेक है, तो इतने छोटे से ब्रेक के लिए चैनल चेंज करना अच्छा लगता है। यही बने रहें, 2-4 ऐड देख लें, हो सकता है कि आपको किसी नए प्रोडक्ट के बारे में नया ज्ञान मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे इस छोटे से ब्रेक।